हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास सेवन्थ की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर सिक्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यानी कि किस किस हमारी जो लिविंग थिंग्स है उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो फिजिकली यानी कि जो हम देख सकते हैं, और केमिकली जो हम देख नहीं सकते हैं वो किस तरीके के चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। चेंजेस टेक प्लेस यील्डिंग अ न्यू एंड फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स, कि चेंजेस इसलिए होते हैं कि हमें जो लाभदायक प्रोडक्ट जो है वो मिले। यू ऑल वर बॉर्न एज इन्फेंट एंड ग्रेजुअली यू चेंज इनटू अ फुली ग्रोन इंडिविजुअल। सीजन्स चेंजेस गिविंग अस अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड अदर बेनिफिट्स। सम चेंजेस आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड बैक, वेयर एज सम चेंजेस आर टेम्परेरी एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक। Water from whales, seas and oceans form water vapor which condense to form cloud and come down as rain. So such changes are said to be physical changes. On the other hand, if we burn magnesium ribbon, we will observe dazzling white light with the formation of magnesium oxide. But this cannot be converted back to magnesium and hence it can be classified as a chemical change. So in this chapter we will be discussing about physical and chemical changes. We come across many changes in our day-to-day lives. These changes may involve one or more substances. For example, when you make your milk, you add Bonvita solid to milk liquid and ultimately you get a solution. Thus, making up of Bonvita milk is a change. Similarly, dissolve a tablespoon of salt into a glass of water, you get salty water solution. This is another change. Setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sore. Soaring of milk is another change. When you stretch rubber, it again is a change. But some of these changes are permanent and cannot be reversed. For example, once milk is converted to curd, it cannot be converted back into milk. यानी कि जब दही एक बार बन जाता है जब दूध से, तो वो वापस दूध नहीं बन सकता है। But when you stretch a rubber band, it can regain its original shape and position. Such changes are referred to as temporary. Thus, permanent changes can be classified as chemical changes and temporary changes as physical changes. Thus, in this chapter, we will study about the nature of two types of changes through various activities. Yani ki stretching of a rubber, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होगी जिसमें हम एक बार खींच करके देखेंगे, स्ट्रेचिंग करके देखेंगे जब रबर बैंड की, तो वापस से वो उसी शेप के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। टू शो मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड, यानी कि जो अगर हमने इसे हीट दे दी आइस क्यूब्स को, तो वो नॉर्मल वाटर में चेंज हो जाएगा, और अगर हम इसको यानी कि कम टेम्परेचर पर वाटर को रखेंगे यानी कि फ्रीजिंग करेंगे, तो इसमें आइस क्यूब्स में चेंज हो जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड, तो ये क्या होगा, ये भी फिजिकल चेंज में होगा। टू शो द डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, साल्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, NaCl की जो हम हमारे घर में यूज करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें वाटर ऐड किया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हुआ कुछ ऐसा कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं उसके अंदर कि क्या चेंज हुआ है। देन पोर द सॉल्यूशन इन वॉच ग्लास में जब हमने इसे पोर किया, तो फिर उसके बाद में इसे गर्म किया एंड सोडियम क्लोराइड विल बी लेफ्ट, यानी कि बिल्कुल जो है नीचे की ओर से सोडियम क्लोराइड बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। दस When water is added to sodium chloride, it turns into a solution. But on heating it for a long time, all the water evaporates and we get the solid sodium chloride back. यानी कि हमें वापस से जो है नमक मिल जाएगा जब हम इसे तेज गर्म करेंगे। Thus, we see that dissolving sodium chloride in water is a temporary and reversible change. To see the effect of heat on the metallic part of knife. तो हीटिंग ऑफ आयरन नाइफ इन फ्लेम, तो वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन जब उसे वापस से हम ठंडा कर देंगे तो वो नॉर्मल वापस से हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके की आपके कुछ जो है एक्टिविटीज हैं
वो आप लोग देखिएगा अपने बुक्स के अंदर. दस फ्रॉम द अबव स्टार्टेड एक्टिविटीज वी लर्न दैट द फिजिकल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन लेंथ शेप एंड साइज समटाइम्स फिजिकल चेंजेस अकम्पेन्ड व्हेन द चेंजेस ऑफ स्टेट्स टेक्स प्लेस एज लिक्विड टू गैशियस और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एंड वाइस वर्सा. प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल चेंजेस आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम. बेटर वी कैन से दीज चेंजेस आर टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड. हेंस फिजिकल चेंजेस कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल चेंज इज द वन दैट चेंजेस द शेप साइज फिजिकल स्टेट और अपियरेंस ऑफ अ सब्सटेंस बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन. ये होगी आपके फिजिकल चेंज की डेफिनेशन. जो आपको क्वेश्चंस जो आपके होंगे उनमें आपको ये लिखनी होगी. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज कि क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो करते हैं फिजिकल चेंज के अंदर. द चेंज इज रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज. नो चेंज इन मास अकर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज. Examples of physical change: formation of dew, drying of wet cloths, breaking of glass, sublimation of iodine, crushing of iron, melting of wax, crystallization of sugar. ये आपके table है physical changes की कि change in state किन किन के अंदर होता है. तो वो है ये आपको देखनी है. देन आते हैं हम केमिकल चेंजेस पर. वी ऑल हैव सीन आवर मदर सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एट नाइट एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग वी ऑब्टेन कर्ड. दिस इज अ प्योर केमिकल चेंज. लेट अस ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंज थ्रू दिस एग्जांपल. कि हम सबसे पहले लिक्विड मिल्क लेंगे टू कर्ड सेमी सॉलिड में हमें कैसे चेंज करना है. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. कंटेन्स लैक्टोज एसिड यानी कि लैक्टोज एसिड जो है उसके पास में क्या होता है लैक्टिक एसिड होता है. उसके कारण वो चेंज हो जाता है कर्ड के अंदर. फ्री फ्लोइंग होता है. फ्री फ्लोइंग से क्या होता है फाइब्रेटेड टेक्सचर लिक्विड बन जाता है. ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है. फिर उसके बाद में थोड़ा खट्टेपन में आ जाता है. सोर टू टेस्ट हो जाता है. ये चेंज हो गया है प्रॉपर्टी के अंदर. मिल्क टू कर्ड परमानेंट चेंज होगा ये. Thus, conversion of milk into curd is an example of chemical change because new substances are formed which have different composition and properties. The change is permanent and irreversible. The products formed are entirely different from the entity and title initial substance. Another example which can be studied to understand the nature of chemical change in rusting of iron. आयरन रस्टिंग के अंदर हम केमिकल चेंज कैसे देखेंगे. आयरन से रस्टेड आयरन यानी कि जो जंग लगा हुआ आयरन है तो उसके बारे में हम देखते हैं. कैप्ट इट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम तब ये जाकर के जो आयरन है ये रस्टेड आयरन में चेंज होगा. तो फर्स्ट चेंज हम क्या देखेंगे. ब्राइट एंड पोजेस लस्टर यानी कि जो चमक है ये आयरन के अंदर तो होती है लेकिन जो रस्टेड आयरन होती है उसमें डल विद नो लस्टर यानी कि चमक गायब हो जाती है. कंपोज ऑफ आयरन चेंज इन कॉम्पोजिशन आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. सॉलिड सब्सटेंस जो होता है आयरन होता है लेकिन जब टेक्सचर में केमिकल चेंज हो जाएगा तो ये पाउडरी सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड. ये एलिमेंट होता है जिससे उसके बाद में जब परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है तब ये कंपाउंड में चेंज हो जाता है. दस वी सी दैट आयरन गेट्स अ कोटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सर्फेस ड्यू टू विच इट लॉसेज ऑफ इट्स लस्टर यानी कि चमक खो देता है. चेंज इन कॉम्पोजिशन इज ऑब्जर्व एंड द चेंज इन परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. बिवेयर यानी कि हमें सावधानी किस तरीके किन किन चीजों से रखनी होगी. यू शुड नॉट स्टेयर एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन विथ नेक डाइल्स बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस. उसकी रिएक्शन क्या होगी. मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम जो डिनोट करने का सिंबल जो है वो Mg होगा. तो 2 Mg मैग्नीशियम के दो जो हैं मॉलिक्यूल्स लेंगे हम प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे इन एयर के अंदर तो ये क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. तो 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एश जो है वो बनेगी. वी ऑब्जर्व दैट व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड हीट एंड लाइट
is produced with the formation of a compound whose composition and properties are entirely different from the magnesium metal. The change is permanent and irreversible, and hence is classified as a chemical change. Now collect the ash and mix it with small amount of water. Stir the mixture well. The nature of the above solution can be tested by the using litmus as an indicator. तो लिटमस की हेल्प के साथ में हम इसको देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर. तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ तो सेकंड रिएक्शन क्या होगी व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर. यानी कि जब हमने MgO को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा MgOH2. व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि जब लिटमस पेपर को इसके साथ में MgOH2 के साथ में रिएक्शन करवाई तो MgOH2 प्लस लिटमस सॉल्यूशन, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेड, रेड इन कलर के अंदर. तो फर्स्ट हम इस डायग्राम में क्या देखेंगे, ए तो क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि बर्निंग की हमने जलाया मैग्नीशियम को. उसके बाद में हमने डिजोल्विंग एश इन वाटर की वाटर के साथ में हमने डिजोल्व किया प्लस उसको हीट दी. फिर उसके बाद में क्या होगा, एडिंग लिटमस सॉल्यूशन एंड इट टर्न्स इनटू रेड. जब ये लिटमस सॉल्यूशन इसमें ड्रॉप करके हमने वाटर में पोर की तब ये रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा. दस इट इज ऑब्जर्व दैट अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, कि हीट के साथ में हो रहा है काम तो एनर्जी भी जो है वो निकलेगी. ऑन डिजॉल्विंग इट इन वाटर we get another compound with entirely different properties. The change in permanent and irreversible and hence we conclude that burning of magnesium is a chemical change. Exothermic reactions. वो क्या होती हैं? Some reactions takes place with evolution of heat energy. Such reactions are known as exothermic reactions. यानी कि जिनमें हीट का फॉर्मेशन होगा या काम में जो आएंगी जिनमें हीट वो होगी एक्सोथर्मिक. एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल. एंडोथर्मिक रिएक्शन, सम रिएक्शंस टेक प्लेस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि जो हीट एब्जॉर्प्शन को काम में लेती है, हीट एनर्जी को काम में लेती है, सच रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी कि हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं, यानी कि जो सन से जो एनर्जी मिल रही है यानी कि सोलर एनर्जी उसमें यूज हो रही है, तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी फोटोसिंथेसिस के अंदर. अब हम एक्टिविटी नंबर 10 देखेंगे, टू सी द इंटरेक्शन ऑफ आयरन एंड सल्फर. आयरन होगा Fe एंड सल्फर होगा S. तो हम आयरन की फिलिंग्स देखेंगे Fe प्लस हम क्या लेंगे, पाउडर्ड सल्फर लेंगे. अब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या Fe और S ये दोनों मिक्सचर मिलेगा, इट रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंज. फिर उसके बाद में हम इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर के मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज स्ट्रांगली हीटेड ओवर द फ्लेम, यानी कि बहुत तेज जो है वो हम गर्म करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, आयरन सल्फाइड FeS. इन दिस रिएक्शन FeS इज अ कंपाउंड एंड दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज बिकॉज आयरन सल्फाइड FeS फॉर्म्ड इन एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ आयरन एंड सल्फर विच फॉर्म इट. सेकेंडली दिस इज अ न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट नॉर इट डिजॉल्व इन सल्फर, यानी कि ये जो कंपाउंड जो हमारे पास में आया है तो वो ना ही तो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से, क्योंकि Fe का कैरेक्टर क्या है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है. और जो सल्फर है वो भी डिजोल्व नहीं होगा, सल्फर के अंदर भी ये जो आयरन है वो डिजोल्व नहीं होगा. द चेंज इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट. सेकेंड एक्टिविटीज होगी टू शो द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट विद आयरन Fe के साथ में FeSO4 बनेगा वाटर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4. तो अब ये किस में चेंज होगा, ग्रीन इन कलर में ये जो है चेंज हो जाएगा. आयरन रॉड इमर्ज इन द सॉल्यूशन, आयरन रॉड जो है उसको हम डाल करके रखेंगे तो वो ग्रीन कलर पे चेंज हो जाएगा. CuSO4 प्लस Fe यानी कि कॉपर सल्फेट जो होगा वो ब्लू कलर का होता है, आपको सभी को पता है. आयरन लेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी, हमारे पास में कंपाउंड्स जो आएंगे FeSO4 रहेगा, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का हो जाएगा और Cu पिंकिश रेड होगा.
We will observe that iron, being more reactive, displaces copper and forms iron sulfate. As a result, the blue color of solution changes to green color and copper form deposits on the iron rod. The above conversion is irreversible and permanent. It leads to the formation of products having different properties and composition, and hence is classified as a chemical change. Thus, in all the above activities, we observe that one or more new substances are formed with new and different chemical properties. Thus, a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change involves a chemical reaction. Chemical change tabhi hoga jab uske andar koi bhi chemical reaction hogi. And now you must know ki aapko kya pata hona chahiye. The air we breathe out contains carbon dioxide. This gas turns lime water milky and also act as a fire extinguisher. The candle gets extinguished when we blow over it because the air we blow out contains carbon dioxide. The air we blow out is rich in carbon dioxide content. Characteristics of a chemical change. The chemical change is irreversible and permanent. The composition of a substance changes during a chemical change. Either heat is absorbed or evolved during a chemical change. Total mass of the system remains same. The following may also be accompanied during a chemical change. Heat, light, or any other radiation may be given off or absorbed. Sound may be produced. A change in smell may take place. A color change may take place. A gas may be formed. कि ये सब जो characteristics हैं वो show कर सकते हैं जब भी chemical change होगा. Further, almost all the reactions in which combustion and burning takes place represents a chemical change. Examples of chemical change. क्या क्या है? Rusting of iron, digestion of food, curding of milk, ripening of fruit, change in color of an apple or a brinjal cut into halves. Acid-base neutralization reactions, clotting of blood, burning of candle, decomposition of water, butter turning rancid, drying of paint and photosynthesis. अब हम देखते हैं physical change and chemical change में क्या difference है. A physical change is temporary. A chemical change is permanent. A physical change can be reversed. A chemical change is irreversible. No new substances are formed during a physical change. New substances are formed during a chemical change. No change in energy takes place. Energy is either absorbed or evolved. Composition of a substance remains same. Composition of a substance changes during the chemical reactions. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. Household materials, chemicals, medicines, plastics, etc. are the result of chemical reactions. आपका ये chapter जो है अभी थोड़ा और है. ये chemical reactions जो है आपको समझने के लिए थोड़ा time लगेगा, इसलिए मैं इस chapter को अभी इतना ही पढ़ाऊंगी आज. तो आप इस वीडियो को जल्दी से जाके देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड फैमिली के साथ में, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.